वेलकम टू ओलॉजी एंड टेक इन हिंदी, इट्स टाइम फॉर टेक्नोलॉजी। तो आज का मिलियन डॉलर सवाल ये है कि क्या आपका मैकबुक हैक हो सकता है, क्या उसमें वायरसेस आ सकती है, क्या मैकबुक में से इनबिल्ट प्रोटेक्शंस दिए गए हैं जिससे इन हैकर्स से या इन वायरसेस से बच सके, क्या मैकबुक में आपको एंटीवायरस डाउनलोड करना चाहिए, और अगर आप एंटीवायरस डाउनलोड करते भी हो तो क्या आपका मैकबुक फिर भी सेफ है, या फिर इस वीडियो को देखने में आपने थोड़ी सी देर कर दी है, दैट इज आपका मैकबुक ऑलरेडी इन्फेक्ट हो चुका कोई वायरस से और आपको ये चेक करना है कि आपके मैकबुक में वायरस सही में है या नहीं है। तो इन सब सवालों के जवाब सीधे साधे तो नहीं है, लेकिन इस वीडियो में आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। लेकिन उसके पहले मेरा नाम है अमित देवानी, मैं इस चैनल पे बेसिक से लेके एडवांस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स आपके लिए लाता हूं। तो अगर टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक स्टेप आगे रहना चाहते हो आप, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और हर वीडियो के एंड में मैं एक ऐसे कमेंट को शाउट आउट देता हूं जो आप लोगों ने मेरे चैनल पे दिया है, तो ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता इस वीडियो के एंड में आपका ही वो कमेंट हो जो फीचर हो रहा हो। आज तक मैक कंसिडर किया जाता था सबसे सिक्योर कंप्यूटिंग सिस्टम, लेकिन पिछले कुछ सालों में काफी सारे चेंजेस आ चुके हैं। अब एक मैलवेयर बाइट्स ने एक रिपोर्ट बनाई थी जिसमें उन लोगों ने बताया कि 2019 में सबसे ज्यादा वायरसेस और हैक्स जो हुए हैं वो एक मैकबुक में हुए हैं, और 2018 के कंपैरिजन में 400% इंक्रीज आया है वायरसेस ऑन योर मैकबुक। इतना ही नहीं, जो एवरेज नंबर ऑफ थ्रेड्स जो मैकबुक में आते हैं वो विंडोज से भी ज्यादा हो चुके हैं, और इसका वन मेजर रीजन ये है कि अब लोग मैकबुक पे ज्यादातर शिफ्ट होने लगे हैं। तो जितने ज्यादा मैकबुक मार्केट में होंगे उतने ज्यादा हैक्स और उतने ज्यादा थ्रेड्स आने लगे हैं, और ये वायरसेस होती है इन द फॉर्म ऑफ malwares, adwares, phishing attack, fake malware, browser hijacks, और ऐसे बहुत सारे complicated viruses आने लगे MacBook में। इतना ही नहीं, 2019 में एक ऐसा वायरस आ गया था जिसका नाम है Schleyer Trojan, और इसने 10% ऑफ द वर्ल्ड वाइड MacBooks को अटैक किया। और इतना ही नहीं, इन MacBooks में तो Kaspersky का एंटीवायरस भी था। तो क्या इसका मतलब यह है कि आपको घबराना चाहिए? तो जी हाँ, लेकिन नहीं। हाँ इसलिए कि अगर आप ये पूरा वीडियो एंड तक नहीं देखते हो, लेकिन नहीं इसलिए क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सारे डिटेल्स दिखाऊंगा कैसे आप अपने मैकबुक को प्रोटेक्ट कर सकते हो इन सब हैकर से और वायरसेस से। और अगर इस वीडियो में बताए गए सारे बिल्ट इन सिक्योरिटी फीचर्स आप अपनाते हो तो रिलेटिवली आपका मैकबुक सेफ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपको एंटीवायरस मैकबुक में लोड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एंटीवायरस होने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका मैकबुक हैक नहीं हो सकता है, लेकिन जो लेटेस्ट मैक ओएस कैटालिना आया है उसमें काफी इनबिल्ट सिक्योरिटी फीचर्स एप्पल ने दिए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हो तो पहले मैकबुक चेक करेगा वो ऐप में कोई मैलवेयर तो नहीं है, और अगर है तो वो ऐप को वो डाउनलोड ही नहीं करने देगा। तो मैक के इस मैलवेयर स्कैनिंग टूल को बोलते हैं एक्स प्रोटेक्ट, और ये इनविजिबली और बैकग्राउंड में ऐसे काम करता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा। तो वैसे तो एप्पल काफी स्ट्रॉन्ग है इन सब मैलवेयर्स और एडवेयर्स का सामना करने के लिए, लेकिन कितनी बार आपका मैकबुक टाइमली नहीं रिस्पॉन्ड कर पा रहा इन सब वायरसेस से, तो इन दैट केस आपको फ्री एंटीवायरस लोड कर सकते हो अपने लैपटॉप में टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, और कंपलसरी इसलिए नहीं है क्योंकि इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कौन से ऐसे सेटिंग्स आपको एक्टिवेट रखने हैं जिससे आपका लैपटॉप सेफ रहे। लेकिन उसके पहले ये कैसे पता किया जाए कि आपका मैकबुक कोई वायरस से इन्फेक्ट हुआ भी है या नहीं हुआ, तो कुछ चीजें आपको अपने कंप्यूटर में चेक करनी होगी जिससे आपको पता चले कि कोई मैलवेयर का अटैक हुआ भी है कि नहीं। नंबर वन, जब आप ब्राउजिंग कर रहे हो तो बहुत सारे वेब पेज बैनर्स आते हैं एडवर्टाइजमेंट्स के, या फिर आपको बहुत सारे पॉपअप्स मिलते हैं जो आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए बोलते हैं। नंबर टू, आपके वेब पेज पे ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है जो हाइपरलिंक में कन्वर्ट हो रहे हैं। नंबर थ्री, आपके कंप्यूटर में ऐसे सॉफ्टवेयर्स है जो आपने डाउनलोड ही नहीं किए हैं। नंबर फोर, आपका मैक बहुत रिपीटेडली क्रैश हो रहा है। नंबर फाइव, आपका मैकबुक हीटअप हो रहा है। और नंबर सिक्स, आपका मैकबुक कुछ ज्यादा ही स्पीड में काम कर रहा है। तो आप एक्टिविटी मॉनिटर में आके जब सीपीयू के टैब पे क्लिक करोगे तो आपको पता चले कि ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर है जो बैकग्राउंड में रन हो रहे हैं और जो आपके कंप्यूटर को स्लो बना रहे हैं। तो अगर इनमें से कोई भी चीज हो रही है तो मतलब आपके लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम जरूर है। अब नेक्स्ट, आप इन हैकर से 100% बच तो नहीं सकते हो, लेकिन अगर ये आप स्टेप्स फॉलो करोगे तो एटलीस्ट उनका जो अटैक हो रहा है आपके लैपटॉप या कंप्यूटर्स पे उनको आप थोड़ा डिफिकल्ट बना सकते। तो सबसे पहला स्टेप जो आपको करना है वो बहुत बेसिक है, मुझे कहने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, दैट इज आपके कंप्यूटर में एक पासकोड आपको सेट करके रखना है। और इसके लिए आपको आना है अपने सिस्टम प्रेफरेंसेस में, और वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का, यहां जाके आप अपना पासकोड सेट कर सकते हो अपने कंप्यूटर के लिए। नेक्स्ट चीज जो आपको करनी है आपके मैकबुक में, दैट इज आपको फाइल वॉल्ट एक्टिवेट करना है। अब फाइल वॉल्ट करता यह है कि आपके हार्ड डिस्क को वो एनक्रिप्ट कर देता है, लेकिन
लेकिन वो हार्ड डिस्क एनक्रिप्शन स्टेज में तब तक रहती है जब तक आपका कंप्यूटर बंद होता है। एक बार आपने कंप्यूटर खोल लिया, उसमें आपने पासकोड डाल दिया, तो वो हार्ड डिस्क खुल जाती है, दैट इज वो हार्ड डिस्क डिक्रिप्ट हो जाती है। तो कहने का मतलब फाइल वॉल्ट तब तक ही सेफ है जब तक आपका लैपटॉप बंद है। तो इसके वजह से हो सके तो स्लीप मोड ज्यादातर यूज ना करें, और स्पेशली जब आप लैपटॉप के पास में ना हो या फिर अगर आप लैपटॉप के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो आप उसको स्लीप मोड में ट्रैवल ना करें। अब फाइल वॉल्ट को एक्टिवेट करने के लिए आपको आना है सिस्टम प्रेफरेंसेस में, वहां पे आपको मिलेगा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, उसमें आपको फाइल वॉल्ट के टैब पे क्लिक करना है और इस फाइल वॉल्ट को ऑन कर देना है। अब अगर आपका पीसी कोई ओल्ड पीसी है तो ये फाइल वॉल्ट को एक्टिवेट करने से आपका पीसी स्लो जरूर होगा लेकिन सेफ भी होगा, और अगर आपका कोई लेटेस्ट पीसी है तो आपको पता भी नहीं चलेगा, इतना स्मूथ चलेगा एज इफ उसमें फाइल वॉल्ट डाला ही नहीं है। अब पुराना जो फाइल वॉल्ट था वो इतना सिक्योर नहीं था, लेकिन आज का जो फाइल वॉल्ट 2 है वो 100% सिक्योर है, लेकिन उन्हीं लैपटॉप्स में काम करता है जिनमें T2 सिक्योरिटी चिप आता है। अब आपके लैपटॉप में T2 सिक्योरिटी चिप है या नहीं है वो चेक करने के लिए आप जो ऊपर एप्पल का लोगो है उस पर क्लिक करोगे और आपको साथ में ऑप्शन की दबा के रखनी है, तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिस्टम इन्फो। सिस्टम इन्फॉर्मेशन में आपको आना है और आपको कंट्रोलर का ऑप्शन ढूंढना है लेफ्ट साइड पे। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको मॉडल नेम के बाजू में लिखा हुआ आएगा एप्पल T2 सिक्योरिटी चिप, और अगर ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपके कंप्यूटर में फाइल वॉल्ट 2 है। इतना ही नहीं, अगर आपके कंप्यूटर में कोई ऐसी सेंसिटिव फोल्डर या सेंसिटिव फाइल्स है तो उनको भी आप एनक्रिप्ट कर सकते हो फाइल वॉल्ट 2 से, और उसके लिए आपको आना है डिस्क यूटिलिटी में, फिर ऊपर आपको फाइल का ऑप्शन मिलेगा, वहां पे न्यू इमेज, और उसके बाद आपको आना है इमेज फ्रॉम फोल्डर। अब आपको वो फोल्डर सिलेक्ट करना है जिसको आपको एनक्रिप्ट करना है। इसमें आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, 128 और 256 बिट एनक्रिप्शन। 256 एनक्रिप्शन में आपका प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाएगा, लेकिन मेरी माने तो 256 एनक्रिप्शन एक सिक्योर प्लेटफॉर्म है। तो ये ऑप्शन जैसे आप सिलेक्ट करोगे आपको एक पासवर्ड एंटर करने के लिए पूछेगा, आप पासवर्ड डाल दीजिए और उसके बाद आप इमेज फॉर्मेट में जब आओगे तो वहां पे आप रीड एंड राइट को एक्टिवेट रख सकते हो। अब आपका ये जो फोल्डर है वो 100% एनक्रिप्टेड हो चुका है। अब इस फोल्डर को अगर आपको ओपन करना है तो आपको इसको डबल क्लिक करना होगा और वो पासवर्ड जो आपने सेट किया है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। द मोमेंट आप पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर देते हो तो एक कंटेनर प्रकट हो जाएगा आपके डेस्कटॉप पे जिसको आप ओपन करके अपने फाइल्स और फोल्डर्स को एक्सेस कर सकते हो। लेकिन मेरी माने तो इन फोल्डर्स को एक्सेस या डिक्रिप्ट आप तभी करो जब आपका वाईफाई बंद हो। तो अगर किसी ने आपके लैपटॉप को हैक भी कर दिया है लेकिन फिर भी वो फोल्डर को एक्सेस नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट चीज आपको ये करनी है कि सिस्टम प्रेफरेंसेस में आपको नीचे पैडलॉक आता है, उसको आप हमेशा लॉक करके रखें सो दैट कोई भी हैकर आपके कंप्यूटर में एंटर होके कोई भी सिस्टम रिलेटेड चेंजेस ना कर पाए। नेक्स्ट, आपके कंप्यूटर में आपने एक एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन बना के रखा है, लेकिन हो सके तो एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन से आप कोई भी प्रोसेसेस ना करें, आप एक एडिशनल एक यूजर लॉगिन क्रिएट करें और उस यूजर से आप अपना कंप्यूटर ऑपरेट करें, तो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव जो लॉगिन है वो हमेशा सेफ रहेगा और आपका जो सेकंड यूजर है जिनको एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स नहीं मिले हैं उनसे आप अपनी फाइल्स को एक्सेस कर सकते हो। अब सेपरेट यूजर क्रिएट करने के लिए आपको आना है पहले सिस्टम प्रेफरेंसेस में और वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा यूजर्स एंड ग्रुप्स, यहां पे आप एक्स्ट्रा एक यूजर क्रिएट कर सकते हो आपके लिए। नेक्स्ट, आपको ऑटोमेटिक अपडेट्स ऑलवेज ऑन रखने हैं और ये करने के लिए आपको आना है अगेन सिस्टम प्रेफरेंसेस में और वहां पे आपको सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलेगा जिसको आपको टिक मार्क करके रखना है। अगली चीज जो आपको करनी है वो ये है कि आपको अपना फायरवॉल एक्टिवेट करके रखना है। तो इसे होगा ये कि कोई भी इनकमिंग कनेक्शंस होंगे वो फायरवॉल उसको बार कर दे और उनको वो अंदर आने नहीं दे, और ये एक्टिवेट करने के लिए आपको आना है अगेन सिस्टम प्रेफरेंसेस में, वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का, यहां पे आपको फायरवॉल टैब पे क्लिक करना है और इस फायरवॉल को स्विच ऑन कर देना है। एंड वन लास्ट चीज आपको ये करनी है कि आपको शेयरिंग को ऑफ रखना है। तो इसमें आपको सिस्टम प्रेफरेंसेस में आना है, शेयरिंग पे जब आप क्लिक करोगे तो आप सारे शेयरिंग के जो भी ऑप्शंस हैं उन सबको आप अनटिक रखें, लेकिन अगर आप चाहो तो एक चीज को ऑन रख सकते हो और वो है कंटेंट कैशिंग। इसके सिवा बाकी सब ऑप्शन आपके ऑफ रहने चाहिए। तो इतना ही था दोस्तों इस वीडियो के लिए, शाउट आउट टू द कमेंट विनर। अगर आप चाहते हो कि आपका भी कमेंट फीचर होना चाहिए अगले एपिसोड में तो बढ़िया सा कुछ लिख दो और मैं नेक्स्ट एपिसोड में उसका शाउट आउट दूंगा। और ख्याल रखिए अपना, अपने फैमिली का और अपने मैकबुक का। एंड देखते रहिए उलोजिन टेक इन हिंदी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।